सो हेलो एंड हाय एवरीबॉडी, मैं हूं दीपिका और मैं हूं सौरभ और लेकर आ गए हैं हम लोग फिर से आप लोगों के लिए एक नया एपिसोड और दिखाएंगे हम लोग कि यहाँ पर चेस्ट हिल्स में क्या खास बात है कि आप भी यहाँ पर फ्लैट ले सकते हैं और आप भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सीरियसली। और हम लोगों को ना काफी मैसेजेस आ रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे कि सर हमें भी बताओ कि आपके आसपास सारे अपार्टमेंट बिक गए नहीं बिके। तो हमें हाल ही में अपने सूत्रों से पता चला है कि हमारे अलावा भी यहाँ पे काफी सारी बिल्डिंग्स हैं आसपास जहाँ पे और भी नई कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो डेफिनेटली अगर आपका सपना है दीपिका और सौरभ के आसपास रहने का, उनका नेबर बनने का, तो चेस्ट हिल्स में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो क्यों ना आज पूरी एक्सप्लोर करें। टाइम तो है ही हमारे पास, वैसे भी हम लोग फ्री ही है। हाँ। तो दिखाते हैं हम लोग आपको कि यहाँ पर क्या खास है। चलिए तो गाइज हम लोग फ्री थे तो हमने सोचा यार क्यों ना चेस्ट हिल्स के नए अपार्टमेंट्स देखे जाए, कहीं हमसे अच्छा फ्लैट तो नहीं बना के दे रहे हैं। वैसे ही बना के दे रहे हैं क्योंकि मैंने सुना है कि यार चेस्टर हिल्स में और ज़्यादा नए इनोवेशंस आ रहे हैं, नए टेक्निक से बनाया जा रहा है, तो हम वही एक्सप्लोर करने आए हैं। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमारे नेबर बनने के लायक है तो भैया हम दिखाते हैं कहाँ आप हमारे नेबर बन सकते हैं और कितने ब्रिलियंट नए और अपकमिंग प्रोजेक्ट है चेस्टर हिल्स के। तो दिखाएं आपको, दिखाएं चले चल। हेलो हेलो हेलो, तो फिर से स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। तो सौरभ की आवाज तो आप लोगों ने काफी बार सुनी होगी, तो मैंने सोचा यार क्यों ना यार आज मैं आपको अपनी आवाज में चेस्टर हिल्स का जो है वो टूर करवाऊं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो चेस्टर हिल्स है वो सोलन के बीचों बीच जो चेस्टर हिल्स ने अपने फ्लैट्स बनाए हैं और अभी जो नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो तो माय गॉड इतने ब्यूटीफुल अपार्टमेंट्स जो है वो चेस्टर हिल्स बना रहा है कि अगर आप देखोगे तो मतलब देखते ही रह जाओगे। तो मैंने और सौरभ ने सोचा यार कि चलो यार थोड़ा सा टूर करते हैं चेस्टर हिल्स का और देखते हैं कि कहीं यार हमारे से अच्छे अपार्टमेंट सुनी बना दिए किसी ने, तो हम लोग भी थोड़ा सा ऊपर वाली मंजिल में शिफ्ट हो जाए। तो चलते हैं और दिखाते हैं हम लोग आप लोगों को, क्योंकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है यार बिल्कुल कि क्या कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आप लोगों को भी हम दिखाने वाले हैं। तो अगर आप भी यहाँ पर चेस्टर हिल्स में अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं और आज ही अपने फ्लैट्स जो है वो आप बुक करवाएं। तो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है कि यहाँ के अपार्टमेंट कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है, माई गॉड एक एक चीज इतनी बारीकी से बनाई गई है और पता नहीं क्या सोच के बनाई है। और मुझे नहीं लगता कि पूरे सोलन में इतने खूबसूरत अपार्टमेंट किसी के होंगे। चेस्टर हिल्स जय हो आपकी। और सिर्फ सोलन में ही नहीं, मुझे लगता है हिमाचल में सबसे बेस्ट अपार्टमेंट चेस्टर हिल्स ही बनाता है। एंड आपने देखा है कितनी सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, कितना कुछ बन रहा है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। तो अगर आप सच में प्लान कर रहे हैं कि आपको सोलन जैसी जगह में रहना है, हिमाचल जैसी प्यारी सी सुंदर सी जहाँ पे इतना अच्छा मौसम होता है गर्मियों के वक्त, यहाँ रहना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए नीचे और देखिए सारी इन्फॉर्मेशन, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ब्रोकर का नंबर मिल जाएगा, आपको वेबसाइट की जगह मिल जाएगी, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ अवेलेबल है। तो फटाफट जाइए और आज ही अपना ड्रीम फ्लैट बुक कर लीजिए चेस्टर हिल्स के साथ। और हम लोग आपको ये श्योरिटी देते हैं कि पूरे सोलन में क्या पूरे हिमाचल में इतने खूबसूरत फ्लैट किसी के नहीं होंगे और इतना ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज है, मतलब डे बाय डे इंक्रीज ही होता जा रहा है। अगर हम लोग अपने फ्लैट की बात करें यार, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस फ्लैट में नहीं है नेक्स्ट फ्लैट में दी गई है, तो बहुत ही अच्छा है। तो जरूर आए और यहाँ पर फ्लैट बुक करवाए। सीरियसली हम लोग इतनी कमाई करते हैं, इतनी सारी चीजें इकट्ठी करते हैं ताकि हम एक अच्छा घर ले सके, तो हमें सोच समझ के लेना चाहिए एक प्यारा सा और अपने सपनों का घर। एंड आई थिंक चेस्टर हिल्स उसके लिए राइट चॉइस है। ग्रेट, पर बातों बातों में हम भूल ही गए कि हमारा मकसद क्या है आखिरकार इन ब्लॉग्स का। हमारा मकसद ये है कि हम लोग आपको चेस्टर हिल्स के साथ साथ एक्सप्लोर भी करते हैं सोलन की ऐसी जगहें जहाँ पर आप अगर आए हैं तो खाना खाकर आप जा सकते हैं वहाँ से। तो कहाँ जाने वाले हैं आज हम एक बहुत ही अमेजिंग पिज्जा प्लेस में जाने वाले हैं। बहुत ही रिसेंटली खुला है वो और मैंने सुना है कि वहाँ के जो पिज्जा है सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो फटाफट चेंज कर लेते हैं, जाना भी है वरना लेट हो जाएगा जनाब। चलो फिर चेंज करते हैं, फिर निकलते हैं। यार मैं तो थक गया दीपिका का वेट कर करके, मैं तो 5 मिनट में तैयार हो गया था, इनको तो 1 घंटा हो गया है। तो
मैं भी हो गई हूँ रेडी जाने के लिए, क्योंकि अब हम लोग जाने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पर। और क्या खाने वाले हम? आज हम पिज्जा खाने वाले हैं, और बहुत ही अमेजिंग ये कैफे है। मेरे फ्रेंड है वो जिन्होंने ये कैफे स्टार्ट किया है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है ये कैफे, तो मैं आपको उनसे भी मिलाऊंगा और कैफे में जो अच्छे अच्छे पिज्जा हैं वो भी खिलाऊंगा। तो चले, हाँ चलते हैं। पर आपको पता है कि हमारे यहाँ पे ना एक बड़ी अमेजिंग सी लोकेशन बनी है अपार्टमेंट के पास, जहाँ पे वॉक कर सकते हैं। मैंने ही इसे बताया था, तो हम लोग वो जगह भी आपको जल्दी दिखाएंगे। आते भी चलेंगे वहाँ, ठीक है? हाँ, पहले कुछ खा लेते हैं। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, चलो तो फिर चलते हैं। सर लेकिन तुझे ऐसा लगता है कि मेरा लिपस्टिक थोड़ी डार्क लग रही है यार। हाँ यार, ऐसा लग रहा है जैसे किसी का खून पी के आए हो आप। हाँ तेरे को पी पी के इतना कमजोर हो तो गया, और क्या करूँ। दीपिका चाहती हूँ मरे और इसका अपार्टमेंट मेरा हो जाए। कुछ कुछ लोग गुजराती होते हैं, कुछ मराठी होते हैं, कुछ पहाड़ी होते हैं, और कुछ दम पिशाच होते हैं। खैर अभी हम पिज्जा का कत्ल करते हैं, मतलब खाते हैं उसको, तो चलिए चलते हैं। तो फिर चलते हैं जहाँ का आज हम लोगों ने डिसाइड किया है। तो काफी इस जगह के बारे में हम लोगों ने तारीफ सुनी है, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर हम लोग ज्यादा विश्वास करते नहीं है। तो एक्चुअल रिव्यूज तो हम लोग आपको खाना खाने के बाद ही बताएंगे कि जहाँ पर हम लोग आज जाने वाले हैं कि वहाँ का जो फूड है वो कैसा है। हार्डली चेस्ट हिल से आपको 8 से 9 मिनट लगते हैं इस रास्ते पर, और देखा बातों बातों पर पता भी नहीं चला कि हम लोग अपनी मंजिल की ओर पहुंच भी गए। मंजिल थोड़ी सी दूर है, 3rd फ्लोर पर है, तो चलते हैं। चले सौरभ। तो पहुंच गए हैं हम लोग मिड पॉइंट कैफे में। जब आप अंदर एंटर करेंगे तो सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करते हैं वो है यहाँ का सेल्फी पॉइंट, जो कि इस कैफे का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो आप यहाँ पर जब भी आए तो यहाँ पर सेल्फी जरूर खिंचवाएं। दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पर बहुत ही पसंद आई वो है यहाँ पे जितना भी पूरा रेस्टोरेंट है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और बहुत हाइजीन ये प्लेस है। और 3rd चीज जो मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो पसंद आई वो है यहाँ पर अगर आप विंडो साइड लेते हैं तो आप यहाँ पर सोलन की जो ब्यूटीफुल सड़कें हैं वो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप विंडो साइड जरूर बैठे। तो चलते हैं, ऑर्डर करते हैं कुछ, और फिर उसके बाद जगह का रिव्यू तो हम लोगों ने आपको दे ही दिया है, तो खाने का रिव्यू हम आपको थोड़ी देर में देंगे। फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं मिड पॉइंट कैफे में, जिसके बारे में अभी तक हम आपको बता रहे थे और इतनी तारीफ कर रहे थे इस कैफे के बारे में। एंड चेस्टर हिल से ये ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आपको मिड पॉइंट कैफे मिल जाएगा, ओएलडीसी ऑफिस के पास, प्राशर कॉम्प्लेक्स। तो आज हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत भूख भी लग गई है हम लोगों को, एंड इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भूख लग गई है तो हम सारी चीज़ें अच्छा ही करेंगे कि अच्छी है, और जनरली आपको सारी रिव्यू देंगे। सो दैट जब आप यहाँ पे आए आप हमें थैंक यू कर सकें कि आपने हमें बताया था कि क्या कुछ खाना है, है ना दीपिका? लेकिन उसके लिए इनको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, जब तक हम लोग खा रहे हैं तब तक आप देखिए कि क्या क्या हमने ऑर्डर किया है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खाना खाने के बाद? हाँ खाना खाने या ऑर्डर। हाँ चलो ठीक है। मेन्यू देखने के बाद मैं और सौरभ तो कंफ्यूज ही हो गए थे कि यार ऑर्डर क्या करें, बट जो यहाँ के ओनर है मिस्टर मनीष, उन्होंने काफी हेल्प की हमें बताने में कि यहाँ का स्पेशल फूड क्या है और हम लोगों को क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो ऑर्डर किया वो किया पनीर टिक्का पिज्जा। ओ हो हो माय गॉड, इतना टेस्टी ये पनीर टिक्का पिज्जा है, तो आप जब भी आए तो जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी ये पनीर टिक्का पिज्जा है, तो जब भी आप यहाँ पर विजिट करें तो जरूर ट्राई करें सीरियसली। और मुझे सारे फ्लेवर्स इसके बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसमें कॉर्न है, ऑनियन है, कैप्सिकम है, और पनीर टिक्का है। वाओ यार, जस्ट टू ग्रेट। एंड अब तो एक्साइटमेंट और बढ़ रही है कि नेक्स्ट क्या ऑर्डर करने वाले हैं हम लोग और नेक्स्ट क्या टेस्ट करेंगे। देन उसके बाद जो हमारा ऑर्डर आया वो आए मंचूरियन बॉल स्प्रिंग रोल्स KFC मोमोज। माई गॉड, इतने टेस्टी KFC मोमोज। हम लोगों ने KFC चिकन के बारे में तो बहुत ही तारीफ मैंने सुनी है, वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, मैंने खाया नहीं है, बट मेरे दोस्त लोग बताते हैं कि KFC का जो चिकन है वो बहुत ही टेस्टी है। बट अगर मैं वेजिटेरियन हूँ, आप भी वेजिटेरियन है, तो KFC मोमोज ज़रूर ट्राई करें, और बहुत ही बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी यहाँ के KFC मोमोज हैं। आई डोंट थिंक सो कि पूरे सोलन में ऐसे मोमोज मिलते हैं, तो आप यहाँ पर जब भी विजिट करें तो KFC मोमोज ज़रूर खाएँ।
यहाँ के ओनर मनीष सर को हमने ये क्या कह दिया कि यहाँ का जितना भी स्पेशल फूड है वो आप ले आइए, तो वो भी रुके नहीं, तो वो भी ले आए चीज कॉर्न सैंडविच और हाका नूडल्स, वो भी यहाँ के बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगी, ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा फूड यहाँ का है, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, जो यहाँ के मनीष सर है वो भी बहुत ज्यादा कोऑपरेट करने वाले हैं। तो फिनिश करते हैं हम लोग अपना फूड और चलते हैं अपने चेस्ट हिल्स वापस अपने फ्लैट, और दिखाते हैं हम लोग कि जहाँ पर हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग आपको पार्क लेकर जाएंगे आज, तो मिलते हैं अब आपको पार्क में। सो फाइनली गाइस, हम लोगों ने अपना फूड खा लिया है एंड हमारी फाइनल वर्डिक्ट ये है कि यहाँ का टेस्टी है फूड, बहुत अच्छी एम्बियंस है, बहुत अच्छे गाने ये प्ले करते हैं, हम नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली यहाँ आने वाले हैं। और हम ही क्यों, हम औरों को भी सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ आए और यहाँ का फूड टेस्ट करें। क्यों दीपिका? बिल्कुल, और अगर एड्रेस में आपको दोबारा से रिपीट करवा देते हैं, ओल्ड डीसी ऑफिस राशन कॉम्प्लेक्स, तो आप जरूर यहाँ पर विजिट करें। अगर आप ऐसा करेंगे कि हम दोनों का नाम लेंगे कि आप हमारी वीडियो देख कर आएगा तो आपको डिस्काउंट दे मिलेगा। पर आज तो हमने अपने व्यूअर्स को वो स्पेशल जगह भी दिखानी है, तो चलिए चलते हैं। चेस्टर हिल्स में अपार्टमेंट लेने के तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो ये है कि यहाँ पर हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, और यहाँ का जो पार्क है वो स्पेशली डिजाइन किया है छोटे बच्चों के लिए, तो यहाँ पर हर छोटे बच्चों से थोड़े बच्चे बड़े बच्चों के लिए सारे फैसिलिटीज यहाँ पर जो है चेस्टर हिल्स ने प्रोवाइड की है। तो अगर आप भी यहाँ पे फ्लैट लेना चाहते हैं तो देर किस बात की है, आज ही अपना फ्लैट बुक करवाएं। अगर आप यहाँ पर फ्लैट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएं, आपको सारी डिटेल वहाँ पर मिलेगी। वाओ यार, कितनी अमेजिंग हवा चल रही है यहाँ पे, है ना? यस सर। तो ये तो हर शाम यहाँ आते हैं, योगा करते हैं, ताजी हवाओं का आनंद लेते हैं। अब मुझे यहाँ पर इतना मजा आता है, मन करता है यहीं पे सो जाऊं यार। तो आप सोचा करो, जरूरी नहीं है अपार्टमेंट आना। वैसे भी यहाँ पे गार्डेड और सिक्योरिटी का पूरा फीचर है, तो आप अगर यहाँ सो भी जाते तो कोई उठा के नहीं जाएगा आपको। यहाँ पर हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ चोरी होने वाला है। प्रॉपर वेल मैनेज्ड, हर एक एक चीज प्रॉपर मैनेज करके सोच समझ कर रखी गई है। वो अलग बात है, आप सोते हुए यहाँ पहाड़ी से नीचे गिर जाओ, जो कि मैं नहीं चाहता। चाहते मैं मर जाऊं और इसके नाम ये फ्लैट हो जाए, बट मैं नहीं होने दूंगी ऐसा, मेरी आत्मा भटकती रहेगी यहाँ पर। पर उसके लिए भी इन्होंने प्रूफ रखा है कि अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ इनके पास एक एक्स्ट्रा तांत्रिक रखा है ऐसी चीजों के लिए, सो दैट यहाँ पे घूमे ना किसी की भी आत्मा। तो अब मिलते हैं हम लोग आपको अपने नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और ध्यान रखिएगा। एंड आज का एपिसोड कैसा लगा, आज की जो प्लेस थी और जो अपार्टमेंट हमने आपको दिखाया जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो कैसा आपको लगा जरूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय। वाओ, कितना अमेजिंग ये अपार्टमेंट है, और अगर आपको वर्ल्ड के बेस्ट स्टूडियो अपार्टमेंट्स चाहिए तो यार चेस्टर हिल से बेटर और कुछ भी नहीं। यहाँ की जो क्वालिटी है, फर्निशिंग है, और यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो वर्ल्ड क्लास लेवल का है, तो आपका स्टूडियो अपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट प्लेस बन जाएगा रहने के लिए। तो अगर आप भी सपना लेते हैं हिल्स में एक बहुत ही शानदार लाइफ जीने का, देन चूज़ चेस्टर हिल।